अरे क्या हुआ? मैं बालवीर हूँ, आपका प्यारा बालवीर। आप इतने डरे हुए क्यों है? बालवीर, बालवीर, आपको इतना डरा हुआ मैंने पहली बार देखा है। आप सबकी इस हालत का कारण कौन है? ताली दानव, वो यहाँ पर आया था सर्वनाश करने के लिए। माँ, माँ कहाँ है? माँ, मोंटू बॉस, आप ये कूल ग्रुप के चक्कर में एकदम फूल हो गए हो। मैं तो कहता हूँ कि कूल ग्रुप छोड़ो और किसी मस्त रेस्टोरेंट में बैठ के हम गर्मा गर्म पिज्जा खाते। खाएगा? हाँ, गर्मा गर्म। इतना गर्म काफी है या टेम्परेचर बढ़ा? बोल। काफी है, पेट भर गया। ए, अच्छे से दबाना यार। रोहित, मिल गया मेरे सपनों का कूल ग्रुप। वन टू। मोंटूस, ये मुझे कूल ग्रुप नहीं लगता, ये मुझे हॉट और भयानक ग्रुप लगता है। ये आपको दो बार बेच के तीन बार खरीद लेंगे। बेचने और खरीदने वाले भंगार। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का नाम ही काफी है। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि मैं इनके ग्रुप में जा रहा हूँ। दसौरगर, दसौरगर। वन टू। हेलो गाइस, जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक खड़े रहो। स्कूल है हमारा, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अरे नहीं नहीं, इसके पापा स्कूल के ट्रस्टी है। चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। ठीक है, मैं खड़ा हूँ। सॉरी सॉरी, बाय द वे, तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे? विल यू फ्रेंडशिप मेरे से? तू फैट और फनी है रे, बट यू आर नॉट कूल। कूल हम लोग हैं, सुपर डुपर कूल, समझा? दक्ष, ये बेचारा कूल नहीं है, तेरे कूल बना देते हैं ना? क्या बोलते है? बनाए? यस यस, व्हाई नॉट। तो तुझे हमारा फ्रेंड बनना है? हाँ। पहले बता, तुम पढ़ते कौन से स्टैंडर्ड में हो यार? हम पढ़ते वढ़ते नहीं है। वैसे तो पापा ने 9th स्टैंडर्ड में डाला है, पर हम दोनों दिन भर टाइम पास करते हैं। 9th? इधर आ। क्या है ना, हम अपने जूनियर्स को अपना फ्रेंड बनाते हैं नहीं, लेकिन अगर जूनियर्स कूल डांस करके दिखा दे तो हम उस बारे में सोच सकते हैं। विल थिंक ओवर इट, यू सी। हाँ, डांस। अरे हम तो चांस पे डांस मारने में एकदम तैयार होते हैं। आप बस म्यूजिक का बंदोबस्त करो, फिर हमारा डांस देखो। ऐसे नहीं, तुम दोनों के लिए तो कॉस्ट्यूम आएगा। मीना, इन दोनों के लिए कॉस्ट्यूम का इंतजाम हो पाएगा? ओके बॉस, डोंट वरी, हो जाएगा। थैंक यू। डंड, इसका मतलब माँ के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है।
अरे मोंटू बॉस, गाना बंद हो गया और आपका वो कूल ग्रुप भी चला गया। लोग ना लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते, पर आप कुल्हाड़ी पे ही अपना पैर मार रहे हो। कहाँ है कुल्हाड़ी? अरे मेरा मतलब है कि आप क्यों कूल ग्रुप में जाना चाहते हो? वो सीनियर्स है और वो हमेशा जूनियर्स को परेशान करते रहते, जैसे अभी वो हमें परेशान कर रहे हैं। वाह रोहित, मुझे ऐसा ही कूल ग्रुप चाहिए था, हमारी तरफ बुरा, जिन्हें बच्चों को सताने में मजा आता हो और उनके रोने पर हंसी। बालवीर, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि परीलोक में कोई दानव आकर इतना ज्यादा विनाश करके जाए। बालवीर, वो काली दानव बहुत शक्तिशाली है, अगर हम लोग समय पर नहीं छुपे तो हम भी उसका शिकार बन जाते। लेकिन बालवीर, आप हिम्मत रखिए, हम सब मिलकर उस काली दानव से निपटने की कोई ना कोई योजना जरूर ढूंढ लेंगे। माँ का पत्र? काली दानव से बचने के उपाय, काली दानव से बचने का एक ही उपाय है कि अपना रूप बदल लिया जाए और उसकी सूंघने की सीमा से दूर रहा जाए, ताकि वो आपका शिकार ना कर सके। अब दूसरा उपाय, काली दानव का अंत कैसे किया जाए? दक्ष भाई, प्लीज मुझे आपके गैंग में ले लो ना। देखो मैंने आपको डांस करके एंटरटेन भी किया ना। दक्ष भाई प्लीज। ए पिद्दे, हमारे ग्रुप में सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलती है जो सुपर शरारती हो, जो बच्चे और टीचर्स दोनों को तंग करते हो, जो पढ़ाई में पीछे और लड़ाई में आगे, और जिससे सब डरते हो। सेम टू सेम दक्ष भाई, सच्ची में। देखो मैं ना सारे बच्चों को परेशान करता हूँ, मैं पिद्दियों पे कलर सकता हूँ, उनका टिफिन खींच के खा जाता हूँ। बच्चे, ये शरारतें हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में करते थे रे, अभी ये सब कौन करता है रे? अभी तो हम क्लासरूम में बॉम्ब फोड़ते हैं, टीचर के बैग में चिपकली डाल देते हैं, प्रिंसिपल के गाड़ी का कांच फोड़ देते हैं, बच्चों को क्लासरूम में बंद करके बाहर से लॉक कर देते हैं, क्लासरूम में कॉकरोच और चींटियां छोड़ देते हैं, समझा? दक्ष भाई प्लीज मुझे अपने गैंग में लो ना। ए! तोड़ेगा क्या? सॉरी दक्ष भाई, प्लीज मुझे अपने गैंग में लो ना, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। ऐसे नहीं बच्चे, अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में आना है तो कोई ऐसी शरारत करनी पड़ेगी जिससे देख के हम सब इम्प्रेस हो जाए। समझ गया दक्ष भाई अब आप देखना मोंटू द ग्रेटेस्ट लखाने की ग्रेटेस्ट शरारत है, ऐसी शरारत करूंगा जो आज तक कभी हुई ना हो। इनकोरेट कमॉन बॉयज। नामुमकिन है तुम सबका यहाँ से बच के जाना बालवीर, अब तुम सब काली दानव का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आज पहली बार काली दानव के हाथों से कोई शिकार बच के निकला है। जब तक काली दानव उन सबको शिकार नहीं बना लेता, तब तक चैन से नहीं बैठेगा, चैन से नहीं बैठेगा। मंटू बॉस, ये स्कूल के मीटर रूम में क्या बल्ब चुराने आए हो? आपने एक दिन वो बच्चों के टिफिन चुराते चुराते एक दिन बल्ब चोर बन जाओगे। छा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेवकूफ, मैं अब बल्ब चुराने नहीं आया हूँ, मैं आज स्कूल की लाइट ऑफ करने आया हूँ। ऐसी शरारत आज तक किसी ने नहीं की होगी, और जब मैं ये शरारत करूंगा ना, वो कुल ग्रुप वाले इनविटेशन लिखकर मुझे अपने ग्रुप में इनवाइट करेंगे, समझा? ये मोंटू को बच्चा पूरी स्कूल की लाइट ऑफ करने वाला है। चल मनीष, चल के सर को बता। चल। अरे बॉस, क्या जो कर रहे हो, जल्दी करो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। क्यों? मेरे पापा ने जो स्कूल के पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नहीं तो यहाँ चुपचाप खिला मार कर खड़ा रहे, वरना तेरे सर पे खिला मार दूंगा। कथा कही का बॉस। अरे आपने ये रूम की लाइट ऑफ क्यों कर दी? ऑन करो जल्दी। अरे रोहित, ये फ्यूज लगाने की जगह नहीं मिल रही है यार, तो अंदर में कुछ दिख नहीं रहा है। ए, मैंने पता नहीं कौन सा मंजूस टाइम पे आपको बॉस बना लिया। अब तक तो मैंने किसी घाटे को बॉस बना लिया होता। मेरा घाटे को ही बॉस बनाया है तुमने? कौन गधा बोला मुझे? मैं गधा बोला। सॉरी सर। सॉरी सर, मंटू तुम एक नंबर के गधे हो, बेवकूफों जैसी शरारतें करते हो तुम। और ये क्या, पूरे स्कूल की लाइट ऑफ करने जा रहे थे तुम? नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा था, मैं वो शॉर्ट सर्किट चेक कर रहा था सर। बेटा शॉर्ट सर्किट तो अभी मैं तुम्हारा करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा के मुझे गुस्सा दिला दिया है। छोड़ूंगा ये देखो, दीवार से टकरा के टेम्पो उलट गया। चल बेटा, खड़ा हो। तेरी रिपेयरिंग में वर्कशॉप में ही करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? वर्कशॉप। चल जीरा। यस। सॉरी सर। सॉरी क्या सॉरी? अरे तेरी तो मैं रिपेयरिंग भी नहीं करवा सकता, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ये मोटा हमारे ग्रुप में घुसने की कितनी भी कोशिश कर, इसे एंट्री मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। काली दानव चैन से नहीं बैठेगा। परियो, माँ के बताए हुए उपाय के अनुसार आप दोनों अपना रूप बदल लीजिए, लेकिन ना किसी अच्छे और सच्चे बच्चे का रूप मत लीजिएगा, मोंटू और रोहित का रूप लीजिएगा, ताकि शातिर परी और काली दानव को आप पर संदेह ना जाए। ठीक है बालवीर।
परियों की गंध हमें यहाँ लेकर तो आ गई, पर यहाँ आने के बाद से उन शक्तियों की गंध बंद क्यों हो गई? इस गंध का पीछा करते हुए हम पृथ्वी पर तो आ गए, पर यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो? घबराओ मत, जब तक हम नहीं चाहते हमें कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि इन सब के लिए हम अदृश्य हैं। काली दाना से बचने का उपाय तो कामयाब हो गया, लेकिन अब उसका अंत करने का उपाय अब हमें ढूंढना होगा। लेकिन बालवीर, वो उपाय तो बाल परी के उस पत्र में था जो जल गया। नहीं बाल सखी, वो पत्र जला नहीं था। बाल मित्र, बाल से तुम दोनों परिलोक जाओ और उस पत्र को ढूंढने की कोशिश करो, हो सकता है हमें उसमें से कोई उपाय मिल जाए। तब तक मैं इस काले दानों को संभालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बालवीर, तुम अकेले इसका सामना कैसे करोगे? इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। काले दानों का हमें किसी भी हाल में अंत करना ही होगा। अभी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अंत में जीत अच्छाई और सच्चाई की होगी। जाओ।